जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस आईपीएस ऑफिसर की बात करने वाले हैं वो एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं, एक महिला अफसर है जिन पर आज पूरे देश की नज़र है, जिनका नाम है नूपुर प्रसाद। आज हम इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। तो जो इनका जन्म हुआ था 1983 में टिकारी के सलेमपुर गांव में हुआ था, जो कि बिहार में है। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो जो इनकी एजुकेशन हुई है वो एक प्राइवेट स्कूल से हुई है, और जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया वो किया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी यूपीएससी जर्नी की, तो अगर हम इनकी यूपीएससी जर्नी की बात करें तो बचपन से ही इन्होंने सपना देखा था कि ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करें। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी, पर इनका जो सपना था वो बहुत ही बड़ा था। बचपन से ही चाहती थी कि ये पुलिस में भर्ती हो, और आखिरकार इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया 2007 में और एक महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। कौन से कैडर में? AGMUT कैडर में, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। चलिए अब इनके बारे में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो जो नूपुर हैं वो DCP भी रह चुकी हैं शाहदरा, जो कि दिल्ली में है वहाँ की, और जो SSR केस था, मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, उसमें CBI ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी उसका भी ये हिस्सा है। ये अपनी इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती हैं, और ये जो है नूपुर प्रसाद वो इंदु भूषण प्रसाद की पुत्री हैं, जो कि सलेमपुर विलेज के रहने वाले हैं। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसका जो हिस्सा है मनोज शशिधर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI जो हैं, जो 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और इसके साथ साथ गगनदीप, जो कि एक महिला आईपीएस ऑफिसर हैं 2004 बैच की, इस टीम का हिस्सा है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।